कार्तिक शर्मा मौजूद है, थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन कार्तिक शर्मा बोल रहे हैं, सुनेंगे। क्या है कि अगर दिल्ली एक रुपया भेजती है तो लाभार्थी को एक रुपया ही मिलता है, सिर्फ इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार माननीय महेंद्र सिंह सैनी जी के कार्यकाल के अंदर अब और मनोहर लाल जी के कार्यकाल के अंदर उस एक रुपए को सवा रुपया बनाने का काम भी करती है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जिस तरीके से उन्होंने एक साफ अच्छी छवि की ईमानदार सरकार हरियाणा को दी और हरियाणा की राजनीति में बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया है, जहाँ पर पर्ची खर्ची का सिस्टम खत्म किया है, जो इंटरनल सिस्टम की कुरीति उसको खत्म करने का काम किया है, ताकि मेरिट पर जो हमारे नौजवान साथी हैं, युवा साथी हैं, उनको मेरिट पर नौकरी मिल सके, जो कि हजारों लाखों बच्चों को मेरिट पर नौकरी मिलेगी, मिल चुकी है और आने वाले समय में मिलेगी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मनोहर लाल जी का कि जो ईपीपीबी का कानून पारित हुआ था उसके तहत हजारों बच्चों को नौकरियां मिली जो आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चे थे, अन्य समाजों से। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मनोहर लाल जी का कि उन्होंने एक व्यवस्था को परिवर्तित करने का काम किया है हरियाणा में पिछले 9.5 साल के अंदर। हरियाणा ने ऐसी राजनीति नहीं देखी पहले। मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को आपको एक फैसला करना है, पूरे हरियाणा की जनता को और कर्नाटक की जनता को फैसला करना है कि एक तरफ तो हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसे सक्षम सशक्त प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जो कहा वो किया और 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। एक कहावत है हिंदी में, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, तो प्रत्यक्ष तौर से आपके सामने है कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में क्या काम किए हैं आपके लिए, और दूसरी तरफ से विपक्षी पार्टियों की तरफ से और ऑपोजिशन की तरफ से आप किसी का भी चेहरा नहीं है, खाली है, पता ही नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज भी बढ़ चढ़ के आने वाली 25 तारीख को भारी से भारी मात्रा में संख्या में जाएं और अपने सांसद को चुनें। यहाँ करनाल से हमारे सांसद, हमारे बड़े श्री मनोहर लाल जी, जिनको आप सिर्फ सांसद ही नहीं चुनेंगे, आप देश का प्रधानमंत्री भी चुनेंगे, क्योंकि जो आप वोट देते हैं वो तय करता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, देश को कौन दिशा और दिशा देगा, किस तरीके के कानून देश में बनेंगे, किस सोच के व्यक्ति संसद में बैठेंगे, और वो आपके आने वाले समय का फैसला करेंगे। करनाल से राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा को